पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। यह तो निश्चित है कि भक्ति में से ही शक्ति का जन्म होता है, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि भक्ति शक्ति का काम नहीं कर सकती है। जैसे लकड़ी से कागज बनता है, किंतु लकड़ी कागज का काम नहीं कर सकती है। लकड़ी को मशीन से निकलना पड़ेगा, तब कागज बनेगा। उसी प्रकार भक्ति को संगठन की प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा, तभी वह शक्ति बन सकती है। राम जय राम जय नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत संतति। प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातारं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परम वैभवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषाते भृशम्। भारत माता की जय। मित्रों को नमस्कार। मित्रों,
हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र के काज संवारे। प्रभु रामचंद्र का काम क्या है? यह सूक्ष्म रूप धर के वनवासी समाज की सेवा ही राम जी का काम है। ये दुष्टों का संहार ही राम जी का काम है। ये नगरीय सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता के अहंकार को नष्ट करना ही राम जी का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के लोग राम जी का नाम तो ले रहे हैं, राम जी का काम नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप देश में मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में देश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, कदाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ पत्थर का राम मुस्कुरा रहा है हमारी मूर्खता पर। अरे मैं इतना छोटा हूं कि तुम्हारी चापलूसी से मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, जाओ मेरा काम करो तब तुमको आशीर्वाद मिलेगा। किसी ने कवि ने कहा है, क्या करेगा प्यार तू ईमान को, क्या करेगा प्यार तू भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर न सका प्यार तू इंसान को। अर्थात जो काम राम जी ने किया वह काम करने वालों को ही राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। और एकल अभियान इसका प्रमाण है। आज एकल अभियान की ये प्रगति प्रभु राम जी की कृपा की वर्षा का ही परिणाम है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। हम लोग श्री हनुमान जी के चरित्र की चर्चा कर रहे थे और हमारा आधार है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा एक हनुमान बनने की प्रक्रिया का मंत्र है। हम स्वयं हनुमान बन सकते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया, शिवोम भूत्वा शिवम यजेत। शिव की पूजा करनी हो तो शिव बनकर ही की जा सकती है। हनुमान जी की पूजा करनी है तो हनुमान बनकर ही की जा सकती है। और हनुमान बनने की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन हमने श्री हनुमान चालीसा में सुना। अब हम हनुमान चालीसा के आखिरी चौपाइयों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें राम राज्य की कल्पना का वर्णन है। हमने रामायण में पढ़ा राम राज्य के बारे में, ये कहा गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा। अर्थात समाज में किसी प्रकार का भी दैहिक अर्थात शरीर का, भौतिक अर्थात जीवन का, भौतिक जीवन और दैविक आध्यात्मिक जीवन, इसमें किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। हमने दैहिक और भौतिक की चर्चा की, अब हम दैविक की चर्चा कर रहे हैं। आइए पहले हम चौपाई सुनेंगे और फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। चौपाई आरंभ करते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कीर्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो हमरे हनुमत बलवीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रसायन तुमरे पासा। इसकी पूर्व के चौपाई में माँ सीता के आशीर्वाद का वर्णन था, जिसमें अष्ट सिद्ध और नव निधि को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को आशीर्वाद दिया गया था। अब कहते हैं राम रसायन। रसायन जब कोई जड़ी बूटी को औषधि बना लिया जाता है उसको रसायन कहते हैं। अर्थात राम जी किसी भी कार्य के साथ जुड़ जाएं तो वो जीवन की मुक्ति का उपाय बन जाता है। और ये मार्ग केवल हनुमान जी को ही मालूम है। हनुमान जी ने प्रभु राम के साथ अपना संबंध बनाया और वे स्वयं भगवान बन गए। देखिए कितने आश्चर्य की बात है। इस देश में राम जी के भी मंदिर हैं, हनुमान जी के भी मंदिर हैं। जरा विचार करो किसके मंदिर अधिक हैं। तो हनुमान जी के मंदिर अधिक हैं। ऐसा क्यों? बस यही राम रसायन का प्रभाव है। हनुमान जी सदा सेवक रहे, लेकिन सेवक बनकर भी वो भगवान राम से बड़े बन गए। अर्थात इस देश के जन जन के भगवान बन गए। आज इस देश में किसी कोने में जाओ शिव जी का एक शिवलिंग मिल जाता है, किसी कोने में जाओ हनुमान जी का मंदिर मिल जाता है। ये हनुमान मंदिर की एक बड़ी विशेषता और है। हमारे देश में औरंगजेब का राज था और सारे देश में हिंदू समाज पर घोर अत्याचार हो रहा था। उसी काल में महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत रामदास। रामदास जी की कहानी ऐसी है कि वे बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक रुचि के थे। जब युवा काल आया, विवाह का प्रसंग आया, उनके विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार वालों के आग्रह से विवाह तय हो गया। विवाह की बेदी में बैठ गए। महाराष्ट्र की पद्धति में वरमाला के पूर्व वर और वधू के बीच में एक पर्दा होता है और वो पर्दा हटने के पश्चात ही वरमाला पहनाई जाती है। पर्दा हटने के पहले पंडित वर को सावधान करते हैं, तीन बार सावधान करते हैं। रामदास जी वर के रूप में बैठे थे। पंडित ने एक बार मंत्र बोलकर सावधान, रामदास जी के अंदर की चेतना जगी और जो ही दूसरी बार सावधान बोला, रामदास वहां से उठकर भागे। भागते भागते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए गोदावरी नदी के निकट। उनके परिवार के लोग उनको खोजते रहे, नहीं खोज पाए। और जब गोदावरी के निकट पहुंच गए तो रामदास के मन में आया, क्या हम हिंदू समाज का ये अत्याचार पूर्ण जीवन ही हमारी नियति है? क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? उनके मन में संकल्प आया कि इसमें परिवर्तन करके मैं दिखाऊंगा। लेकिन परिवर्तन का रास्ता क्या होगा? तो गोदावरी के बीच खड़े होकर उन्होंने एक तप किया, एक मंत्र का जाप किया, जिसको हम विजय मंत्र बोलते हैं।
प्रत्येक हिंदू को अपने घर में उस विजय मंत्र का जाप करना चाहिए, एक माला, दो माला, तीन माला। पद्धति तो यह है कि 13 माला की जाप प्रतिदिन करनी चाहिए। श्री राम, जय जय राम, इसमें 13 अक्षर हैं। तो जब इस विजय मंत्र को उन्होंने सिद्ध कर लिया, अब उनके सामने प्रश्न था कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो उन्होंने महाराष्ट्र में हनुमान मंदिर के स्थान पर हनुमान केंद्र आरंभ किए। मैं नासिक के पास इस गोदावरी निकट के निकट, जहाँ पर रामदास जी ने साधना की थी, उस स्थान को देखने गया था। उनके मुख्य केंद्र मैंने पूछा कि हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है, तो वहाँ के पंडित जी ने, पुजारी ने कहा कि सामने देख तो रहे हैं आप। मैंने कहा ये तो एक गोबर है, उस पर आपने सिंदूर लगाया है। हाँ, यही हनुमान है। हमारे सारे केंद्रों में हनुमान केवल गोबर को दीवार में चिपका दिया गया और थोड़ा सिंदूर लगा दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हनुमान क्यों। तुरंत विचार आया, अरे ये तो वो समय था जब औरंगजेब का राज था। कोई भी भगवान की मूर्ति बनाने वालों के हाथ काट दिए जाते थे। हनुमान जी की मूर्ति मिलना असंभव था, तो गोबर को ही सिंदूर लगाकर हनुमान बनाए गए। सारे महाराष्ट्र के गांव गांव में हनुमान अखाड़े बने। श्री राम, जय राम, जय जय राम का जाप हुआ और इसी में से शिवाजी महाराज का उदय हुआ। शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। और ऐसा कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो उसके पूर्व शिवाजी महाराज स्वामी रामदास के शिष्य बन गए थे। शिवाजी महाराज स्वामी रामदास जी के पास आते हैं और अपने राज चिन्ह के रूप में तलवार को स्वामी जी के चरणों में रखते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु, आप ही मेरे गुरु हैं, आपकी कृपा से ही आज का दिन आया है, अब आप ही राज्य करिए। स्वामी रामदास ने कहा कि शिवा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, मेरी ओर से तुम राज करो, राज मेरा होगा, राज हनुमान का होगा, लेकिन उसको क्रियान्वित तुम करोगे। ये था हनुमान अखाड़े का प्रभाव, ये था विजय मंत्र का प्रभाव। घोर अंधकार में भी शिवाजी महाराज ने राम हिंदू साम्राज्य दिवस हम लोग मनाते हैं, सारा महाराष्ट्र मुक्त हो गया, सारा दक्षिण मुक्त हो गया। और ऐसा मुक्त हुआ कि औरंगजेब को शिवाजी को परास्त करने के लिए स्वयं दक्षिण आना पड़ा और फिर वो दक्षिण से वापस नहीं जा पाया। ये जो औरंगाबाद नाम का शहर है, ये औरंगजेब की कब्र का नाम है, अर्थात औरंगजेब को यहीं पर दफनाया गया। ये था प्रभाव हनुमान जी का। वही बात रामदास जी की तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के पासा। अर्थात तुम सदा रघुपति के साथ रहोगे, तुम सदा राम जी के साथ रहोगे,
तुम सदा राम जी की तरह पूजित होगे। कहना तो यहाँ ये चाहिए था तुम राम जी से भी अधिक पूजित होगे, लेकिन सच बात तो यह है कि चूंकि राम राजा बन गए थे, राजनीति में आ गए थे, और हनुमान जीवन भर सेवक रहे थे, राजनीति से दूर रहे थे, इसलिए हनुमान राम से भी अधिक बड़े भगवान बन गए। हनुमान इस देश के जन जन के भगवान बन गए। आज भी वही स्थिति है, हमको राम राज लाना है। यह राम राज स्वयं राम जी नहीं ला पाएंगे, ये राम राज तो लाने का काम हनुमान करेगा। बस राम जी गद्दी पर बैठेंगे, और इसीलिए हम लोग पिछले कई सत्रों से स्मरण कर रहे हैं, इस देश के 10 करोड़ परिवार हनुमान परिवार बन जाएं, हर परिवार का एक युवा हनुमान बन जाए, और हर 10 परिवार में एक युवा योद्धा बन जाए। इस देश में राम राज लाने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, आप मेरी यह चर्चा सुन रहे हैं, यह कोई कथा नहीं है, यह कोई परलोक सुधारने का मार्ग नहीं बता रहा हूं, इस लोक को ही स्वर्ग बनाने का रास्ता तुलसीदास जी बता रहे हैं। इस लोक में ही सिद्धि मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता तुलसीदास जी बता रहे हैं, मार्ग हनुमान परिवार। और उसके बाद कहा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के माध्यम से तुम राम जी को पाओगे और जन्म जन्म के दुख समाप्त हो जाएंगे। देखो, हमारे यहाँ हिंदू समाज में एक मान्यता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमको मिलता है। किसी को भी कोई दुख हो तो वो अपने मन को समझाता है कि पूर्व जन्म के कर्म मेरे खराब थे, उसी की सजा मुझको मिल रही है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे तुम हनुमान के भक्त बन गए तो तुम राम के पास पहुँच गए, और इस जन्म के भी और पूर्व जन्म के भी सारे दुख समाप्त हो गए। कोई पूर्व जन्म का कर्म अब दोष तुम्हारे पास नहीं रहा, क्योंकि हनुमान जी ने तुमको राम जी के निकट ले आए, और यही तो मोक्ष है। और मोक्ष किस बात का? जन्म जन्म के दुख समाप्त हो जाएं, हम पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं, हम सदा राम जी में ही रम जाएं, बस इसको ही हमारे यहाँ मोक्ष कहा है। इसलिए तुलसीदास जी हमको बहुत सरल रास्ता बता रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, परिवार को हनुमान परिवार बनाओ, और हनुमान चालीसा के अनुसार स्वयं को हनुमान बनाओ, मोक्ष मिल जाएगा। अंतकाल रघुवरपुर जाएं, जहां जन्म भर हरि भक्त कहाई। मृत्यु तो सबके लिए निश्चित है, मृत्यु ध्रुव सत्य है, अंतकाल सबको आएगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाएंगे, आपका निवास कहाँ होगा, ये मुख्य बात है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंतकाल आप रघुवरपुर जाएंगे, राम जी के राज्य में जाएंगे। राम जी का राज्य माने स्वर्ग में जाएंगे, और ये स्वर्ग कोई अलग नहीं है, इसी धरती पर ही स्वर्ग है।
मृत्यु के बाद जन्म भी इसी धरती पर होना है, अगला जन्म भी इसी धरती पर होगा, राम जी के ही इस पवित्र भूमि पर होगा, वही मोक्ष है। और आप जहां पर भी रहेंगे राम भक्त कहलाएंगे, राम जी की कृपा के छाया में आप रहेंगे, इससे बड़ी इच्छा और क्या हो सकती किसी मनुष्य की। यह जीवन भी राममय हो और मृत्यु के बाद भी जीवन राममय हो, यह इस हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी हमको आश्वासन दे रहे हैं। इतना बड़ा आश्वासन शायद ही कोई है, कोई संत महात्मा, कोई मंत्र, कोई जाप जो यह घोषणा करता हो। क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं अपने जीवन में इसको जिया था, उपदेश नहीं दिया था। हनुमान जी मुंह से नहीं बोलते, आंखों से बोलते हैं। उनका शब्द नहीं निकलता, उनका जीवन बोलता है। और चूंकि उन्होंने अपने जीवन में ही सिद्धि प्राप्त की, इसलिए हनुमान चालीसा हमको वो मार्ग दिखा रहा है। फिर तुलसीदास जी हमसे कहते हैं, और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सभी संत महात्माओं से क्षमा पूर्वक एक निवेदन कर रहा हूँ। बताओ कोई देवी देवता जो हनुमान जी के समान इस प्रकार की घोषणा करने की स्थिति में है, इस प्रकार जीवन जिसने जिया, जिन्होंने उपदेश नहीं दिया, जो राजनीति में नहीं गए, सेवक बनकर भी राजा राम से बड़े बन गए, ऐसा कोई देवी कोई देवता हिंदू मान्यताओं में नहीं है। और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, बस एक हनुमान को ही अपना गुरु बना लो, हनुमान को ही अपना आराध्य बना लो, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मैंने कल कहा था, स्वामी विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के पूर्व एक घोषणा की थी, ए भारतवासियों, सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, केवल एक ही देवी एक ही देवता साक्षात जगत जननी भारत माँ। और भारत के नौजवानों ने स्वामी जी के इस आह्वान का स्वागत किया। परिणाम, इस घोषणा के 50 साल के बाद भारत मुक्त हो गया, आजाद हो गया। यह सिद्ध पुरुषों का आश्वासन है, तुलसीदास जी का यह आश्वासन है कि हनुमान जी को तुम अपना देवी देवता मान लो, बाकी किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, सब प्रकार के सुख तुमको प्राप्त हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, आखिर किसी मनुष्य को अपने जीवन में दुख कब होता है? जब कोई संकट आता है, जब कोई पीड़ा होती है, यही तो दुख का कारण है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान जी को अपना गुरु बनाओ, सारे संकट कट जाएंगे, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। केवल जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी को स्मरण करेगा,
इतनी बड़ी घोषणा हनुमान चालीसा हमारे लिए कर रहा है, और दैहिक दैविक भौतिक तापा इन तीनों ताप से मुक्ति का आश्वासन तुलसीदास जी दे रहे हैं। मैं वो सूची पढ़ रहा हूँ जो अभी तक हमने राम राज के काल में पिछली चौपाइयों में सुना था। दैहिक ताप को दूर करने के लिए 8 प्रकार के आश्वासन हमको मिले। पहला, सब प्रकार के सुख मिलेंगे, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, सारे रोगों से मुक्त मिलेगी, नासे रोग हरे सब पीड़ा, पीड़ाओं से मुक्ति होगी, संकटों से मुक्ति होगी, सब प्रकार की सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है हनुमान चालीसा, सब प्रकार की निर्भयता का आश्वासन दे रहा है हमारी हनुमान चालीसा, पूर्ण पारदर्शिता इसका आग्रह कर रही है हनुमान चालीसा, और आत्मसंतोष। ये 8 बातें हमारे शरीर के सुख की आवश्यकता हनुमान चालीसा आश्वासन दे रही है। भौतिक सुख के लिए तपस्वी राज सत्ता का आश्वासन दे रही है हनुमान चालीसा। राम की तरह राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, उसी प्रकार कल्याणकारी राजतंत्र इसका आश्वासन दे रही है हनुमान चालीसा। आतंकवाद की समाप्ति, आज हमारे देश में ऐसे कितने ही जिले हैं जहां ना केंद्र सरकार के कानून चलता है, जहां ना ही प्रांतीय सरकार का कानून चलता है, केवल आतंकवाद का कानून चलता है, केवल गोलियों से बात होती है, ना जाने कितने निर्दोषों की हत्या हो गई होगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, आतंकवाद ने इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है। इस आतंकवाद से मुक्ति के लिए भी आश्वासन दे रहा है हनुमान चालीसा। सारी मनोकामना पूर्ण करने का आश्वासन हनुमान चालीसा हमको दे रही है। और सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का प्रहार, दुष्टों का विनाश, यह भी आश्वासन हमको मिला। और सबसे बड़ी बात, जो माँ सीता ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ, ये सब हनुमान जी की कृपा से हमको प्राप्त हो रही हैं। 9 निधियाँ माने भौतिक उन्नति, कोई अपेक्षा कोई आकांक्षा बचेगी नहीं 9 निधियाँ प्राप्त होने के बाद। अब जहाँ तक दैविक बात है, आध्यात्मिक बात है, राम भक्ति की आश्वासन, राम कृपा का आश्वासन, परम धाम का आश्वासन, मोक्ष प्राप्त का आश्वासन, आध्यात्मिक तेज का आश्वासन, अष्ट सिद्धियों का अनुशासन, जन्म चक्र से मुक्ति का आश्वासन, सभी देवताओं की कृपा का आश्वासन, ये सब हमने अभी तक की चौपाइयों में सुना। अर्थात हनुमान चालीसा कोई परलोक की सिद्धि का उपाय नहीं है, इस लोक को ही स्वर्ग लोक बनाने का रास्ता है। सामान्यतः हमारे संत महात्मा हमको उपदेश देते हैं, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम स्वर्ग में जाओगे। ठीक है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है,
परलोक तो हमने देखा नहीं है, अगला जन्म हमको पता नहीं है, हमको पता है तो यही लोक है। और इसी लोक को स्वर्ग बनाने का रास्ता बताइए, स्वर्ग जाने का रास्ता मत बताइए, स्वर्ग बनाने का रास्ता बताइए। ये लोक स्वर्ग कैसे बनेगा? यह रास्ता श्री हनुमान चालीसा हमको बता रहा है। और इसके पश्चात अब हम अगली चौपाइयों में शरणागति में जाएंगे। हनुमान जी ने अपने जीवन से हमको कैसे गुणवान होना चाहिए बताया, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए बताया, हमें क्या क्या करना है ये बताया, स्वयं करके दिखाया, सारे समाज का आशीर्वाद कैसे मिलेगा यह दिखाया, राजनीतिक सत्ता में कैसा परिवर्तन होगा, देश का विकास और विस्तार कैसे होगा, और राम राज के दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, अभी तक की चौपाइयाँ हमको ये मार्ग बता रही थी। आइए आगामी चौपाइयों में अब हम हनुमान जी के शरण में जा रहे हैं और हनुमान जी के शरण में जाकर अपने जीवन को हम सफल बना रहे हैं, आरंभ करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरि केरा, की जय नाथ हृदय में डेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भू, सिया भर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। हनुमान चालीसा की समाप्ति। तुलसीदास जी बहुत गरिमामय ढंग से कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी हनुमान जी को गुरु मानकर हुआ था। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ से हनुमान चालीसा आरंभ होता है। अर्थात तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनके चरणों की धूलि, सक्रिय हनुमान, प्रवासी हनुमान, नंगे पैर गांव-गांव घूमने वाला हनुमान, जिसके चरणों में धरती माँ की धूल लगी हुई है, पवित्र धूल को ही रज कहकर तुलसीदास जी ने अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने का संकल्प लिया, हनुमान चालीसा आरंभ हुआ। अब तुलसीदास जी पुनः कह रहे हैं, हे हनुमान तुम्हारी जय हो, हे गोसाई तुम हम पर गुरुदेव की भांति कृपा करो, हमारे गुरु बन जाओ। अब यह गुरु बनने की चर्चा, इसका एक बड़ा भारी महत्व है। आपने प्रारंभ में सुना था कि हनुमान जी के चरणों की धूलि से मन रूपी दर्पण को साफ करो,
ये दर्पण में क्या दिखाई देता है, इसको क्यों साफ करने की बात की? क्योंकि दर्पण में हमको अपनी छवि दिखाई देती है। और तुलसीदास जी हमारी छवि को ही हनुमान कह रहे हैं, हमारे मन को ही हनुमान कह रहे हैं। हनुमान किसी मंदिर में नहीं बैठा है, हनुमान हमारे मन मंदिर में बैठा है। हमारे मन में बैठा हुआ हनुमान ही हमारा गुरु है। हमने किसी अन्य बाहर के व्यक्ति को गुरु नहीं बनाया है, हमने अपने मन में बैठे हनुमान को ही गुरु बनाया है। क्योंकि मन से अच्छा गुरु दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। एक बार हमारा मन पवित्र हो जाए, सात्विक विचारों का भंडार हो जाए, प्रभु राम लखन सीता हनुमान का मंदिर बन जाए, कोई भी प्रश्न पूछो मन उसका बिल्कुल सही उत्तर देगा, कोई भी संकट आए मन उसका सही मार्ग बताएगा। अर्थात मन से बड़ा गुरु कोई नहीं है। गीता में एक प्रसंग आता है, 6 अध्याय तक भगवान कृष्ण अर्जुन को बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे, ऐसा करो वैसा करो, मन में ऐसा रखो, बड़ा उपदेश दे रहे थे। अर्जुन परेशान हो गया। अंत में अर्जुन ने कहा कि भगवान तुम इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, इस मन के ऊपर तुम अपने ऐसे गुण लाओ वैसे गुण लाओ, लेकिन मन तो वायु से अधिक चंचल है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रम। हे कृष्ण, ये चंचल मन वायु से अभी अधिक दृढ़ है, इसको नियंत्रण में कैसे रखा जा सकता है? और बिना इसको नियंत्रण में रखे तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर कैसे चला जा सकता है? मित्रों, बस हमारा मित्र भी है तो मन है, हमारा शत्रु भी है तो मन है। उद्रेदात्मा आत्मानम आत्मानम सादेत, अर्थात जिसका मन नियंत्रित है उसका मन उसका मित्र है, और जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसका मन उसका दुश्मन है। तो मन को नियमित नियंत्रित कैसे किया जाए? मन में शांति एकाग्रता कैसे लाई जाए? कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, असंशमी महाभावो मना दुर्निग्रह चलम। हे अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। एक बहुत सरल रास्ता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य माने व्यवहारिक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, मोह रहित ज्ञान। बस मोह रहित ज्ञान का तुम अभ्यास करते रहो, मन नियंत्रित हो जाएगा। और मोह रहित ज्ञान का ही तो उपदेश हनुमान चालीसा दे रहा है, इसलिए यहां कहा गया, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। सतबार पाठ का मतलब जो बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा सारे बंधन दूर हो जाएंगे, महासुख मिलेगा, मन नियंत्रित हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन तुम्हारा गुरु बन जाएगा,
तुमको कोई गलती नहीं करने देगा, तुम्हारा मार्ग कभी भटकने नहीं देगा। सही मार्ग पर चलने के लिए मन तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन जाएगा। हनुमान चालीसा की यह एक बड़ी उपलब्धि तुलसीदास जी हमको बता रहे हैं। और अंत में तो तुलसीदास जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। और इसके लिए साक्षी कौन दे रहे हैं? गौरी शंकर, शिव जी। अब देखो, हनुमान शिव जी के ही तो अवतार थे, अंशावतार थे, और इसलिए अपने अंशावतार का स्मरण करने पर साक्षात शिव जी ही तुमको सारी मनोकामना सिद्ध होने की गारंटी ले लेंगे। इससे बड़ी बात और कोई क्या कह सकता है। अब ये शिव समाज, इसकी चर्चा हम अलग से भी करेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, ये शिव समाज, शिव जी हमको गारंटी देंगे। ये शिव जी कौन है? पुनः शिव जी को अदृश्य भगवान मानकर कल्पना लोक में जाने से कोई लाभ नहीं है। अरे, हमारे इसी लोक में शिव जी हैं, जिसको शिव समाज कहते हैं, जो इस देश का गरीब समाज है, जो इस देश का वनवासी समाज है, प्रकृति पुत्र है, वही इस देश के सुख की गारंटी दे सकता है। चाहे दैविक सुख हो, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे कोई और दैहिक सुख हो, सारे सुखों की गारंटी यह शिव समाज ही दे सकता है। कोई भी उत्पादन हो, कोई भी कारखाना चलेगा, बिना शिव समाज की त्याग से कोई कारखाना नहीं चल सकता, कोई भौतिक साधन नहीं मिल सकता। इस शिव समाज के त्याग के बल पर ही उसकी जमीन को ही चीर कर लोहा कोयला तेल निकलता है, कारखाने चलते हैं और बड़े बड़े शहर के अट्टालिकाएँ चमकती हैं, सुखपूर्वक जीवन रहता है। लेकिन त्याग किसने किया था? ये विद्युत जिसके भी बिना कोई कारखाना नहीं चलेगा, ये विद्युत कैसे पैदा होती है? जब इस शिव समाज की धरती को डुबोया जाता है, त्याग करता है शिव समाज, उपभोग करता है नगरीय समाज। यह एक बहुत बड़े त्याग की बात है। और मित्रों, इस शिव समाज की ही उपेक्षा की सजा हमको आज मिल रही है। मैं असम में गया था, एक गांव में मेरा भाषण का कार्यक्रम था, ग्रामवासी इकट्ठे हुए थे, मैंने वहाँ के वनवासी समाज की महत्ता पर भाषण दिया, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। बाद में एक परिवार में चाय की व्यवस्था थी, जब मैं उस परिवार में गया तो उस परिवार में एक युवा मुझसे मिलने आया, उस युवा के हाथ में बंदूक थी। मैंने उससे पूछा, भैया तुम तो पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हारे हाथ में बंदूक कैसी? उसने कहा, श्रीमान जी, आप इस प्रश्न का उत्तर सुनने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब?
आप सच बात नहीं सुन पाएंगे। मैंने आग्रह किया, नहीं तुम सच बात बताओ। उसने कहा था धैर्य रखिए, इस सत्र को यहाँ हम पूरा करते हैं, अगले सत्र में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम जी। मैं महेश शर्मा, संत निर्मल एकल विद्यालय स्नेह समिति का सदस्य हूँ। इस विद्यालय के द्वारा प्रत्येक रविवार को उद्घोष सत्र जो प्रसारित किया जाता है उसका मैं नियमित श्रोता भी हूँ। मेरे साथ हर आयु वर्ग के व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। ये कार्यक्रम एक सभ्य समाज तथा नैतिक एवं संस्कार युक्त वातावरण को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके साथ जो प्रश्न आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछे जाते हैं उनका भी हम निरंतर एवं नियमित रूप से उत्तर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलता रहे और ताकि ये सफलता के शिखर तक पहुंच सके। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। मैं इंद्रेश भारती, संत निर्मल विद्यालय ग्राम कुटा कोट का समिति सदस्य हूँ। मैं हर शनिवार को श्याम जी का उद्घोष सत्र सुनता हूँ। ये सत्र बहुत ही सराहनीय है और इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सत्र को सभी लोग सुने और मैं आगे भी ये सत्र सुनता रहूँगा। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट, पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट।